8 नवंबर 2021 को पेटीएम का आईपीओ आता है और जस्ट 3 दिनों के अंदर ये 1.89 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। सिमिलरली 28 अक्टूबर 2021 को नाइका का आईपीओ आता है और ये भी जस्ट 5 दिनों के अंदर 81.78 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ऐसा ही केस जोमेटो के साथ भी है। 14 जुलाई 2021 को जोमेटो का आईपीओ आया और जस्ट 3 दिनों के अंदर 38.35 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। इसमें जितने भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था वो बस यही सोच रहे थे कि कुछ सालों में उनके पैसे कई गुना बढ़ जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, बहुत ही बड़ा लॉस। आज के दिन नाइका 65% से नीचे आ गया है, जोमेटो का डाउनफॉल हुआ 58% से एंड पेटीएम गिरा 61% से। एंड आई नो आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या वजह थी ये कंपनीज इतनी फेमस होने के बावजूद भी आज ये डूब रही हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इन इंडियन कंपनीज के आईपीओ लाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। इस स्कैम में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हम और आप जैसे आम इन्वेस्टर्स का, एंड बाकी के लोग इसमें मजे कर रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी स्कैम को समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा कैसे उठाती है। एक्चुअली इसके दो मेन तरीके होते हैं, पहला डेट लेकर जिसमें कंपनी को कुछ परसेंट का इंटरेस्ट चुकाना होता है, दूसरा अपने शेयर्स को बेचकर। एंड हमें यहाँ दूसरे केस को ही समझना है। मान लीजिए आपके पास कोई सामान है एंड आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आपको उसका सही रेट लगाना जरूरी होगा। अगर आप उसको एक्चुअल रेट से कम में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए एक घाटे का सौदा होगा। वहीं अगर आप इसका दाम बढ़ाकर बेचेंगे तो ये सामने वाले के लिए घाटे का सौदा होगा। एंड अगर ये रेट 1000 या 1200 गुना ज्यादा हो तो वो कोई मूर्खी खरीदेगा। एंड यही चल रहा है आज इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर। लोगों को पता ही नहीं कि जिस आईपीओ को वो खरीद रहे हैं उसका रेट ज्यादा है या कम है। एंड जब वो कंपनी लॉस में जा रही है तो वो स्टॉक मार्केट को ब्लेम करने लगते हैं। इसको समझने के लिए हमें आईपीओ के प्रोसेस को जानना होगा। दरअसल किसी भी कंपनी को जब फंड्स की जरूरत होती है, कोई नई फैक्ट्री सेटअप करनी हो या कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड कुछ काम हो, तो अपने शेयर्स को पब्लिक करती हैं। एंड इसके बाद ही वो NSE एंड BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो पाती हैं। एंड अभी जल्दी ही लॉन्च हुई कुछ कंपनी के शेयर प्राइस को देखें तो पता चलता है जहां पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी 1560 रुपए पे, वहीं आज उसका शेयर प्राइस है 600 रुपए, मतलब अराउंड 61% का डाउनफॉल। सेम केस है नाइका के साथ भी। इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी 393 रुपए पे एंड आज इसकी वैल्यू है 140 रुपए, मतलब अराउंड 65% का डाउनफॉल। कुछ ऐसा ही हुआ जोमेटो के साथ भी। इस कंपनी की लिस्टिंग हुई 126 रुपए पे एंड आज इसकी वैल्यू केवल 53 रुपए बची है। यहाँ भी 58% का डाउनफॉल, मतलब अगर किसी बंदे ने अपने 1,00,000 रुपए उस वक्त इन कंपनीज में डाले होंगे तो आज उसकी वैल्यू केवल 40 से 42 हजार रुपए ही बचे होंगे। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि अगर शेयर प्राइस गिर रहा है तो इसमें सभी का लॉस है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, हम और आप जैसे आम लोग, कंपनी के फाउंडर्स एंड वेंचर कैपिटल्स जिन्होंने उस कंपनी के पब्लिक होने से पहले इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन दोस्तों यहीं पर कैच है, यहीं पर सारा खेल हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा लॉस हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का है एंड बाकी के लोग यहाँ पर प्रॉफिट में है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी कंपनी के बनने में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। इस वेंचर कैपिटलिज्म गेम में जनरली 4 तरह के लोग होते हैं। पहला उस कंपनी के फाउंडर्स, दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तीसरा मर्चेंट बैंकर्स और चौथा हमारे और आपके जैसे जनरल पब्लिक। इसमें जितने भी लोग हैं उन सबका एक ही टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। इसमें फाउंडर अपने इक्विटी को बेचकर पैसा कमाते हैं। वही वेंचर कैपिटल क्या करते हैं कि वो कंपनी के पब्लिक होने से पहले ही इसमें इन्वेस्ट किए होते हैं एंड बाद में जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको बेच देते हैं एंड यहाँ से उनका प्रॉफिट जनरेट होता है। मर्चेंट बैंकर्स का रोल तब आता है जब कंपनी को अंडरराइटिंग की जरूरत होती है, जब कंपनी को आईपीओ लाना होता है, एंड यही लोग सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके कंपनी को पब्लिक करवाते हैं एंड इसके बदले में ये अपनी सर्विस फीस चार्ज करते हैं। बचे हम और आप जैसे जनरल पब्लिक तो ये कमाते हैं शेयर को बाई और सेल करके जब वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। दोस्तों अगर आप भी आईपीओ को लेकर ज्यादा ही एक्टिव हैं और इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा इसके पीछे हम कितना सारा ब्रोकरेज दे देते हैं एंड इन द एंड वो प्रॉफिट के बदले हमें लॉस में डाल देता है। इसके साथ साथ इसमें कई सारे हिडन चार्जेस भी एडेड होते हैं जिसे बचने के लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूँ, विच इज सोनिया बाय फिनवेसिया। ये कमीशन फ्री फॉरएवर है। ये स्टॉक्स, F&O, ETF, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी एंड कमोडिटीज में डील करते हैं। यहाँ आप घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं जैसे 0 अकाउंट ओपनिंग एंड सेटअप फीस, 0 ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एंड F&O, 0 कॉल एंड ट्रेड फीस, 0 क्लियरिंग फीस। बात करें रजिस्ट्रेशन की तो ये बहुत ही फास्ट एंड इजी है, बस अपना आधार एंड पैन कार्ड यूज करना है। अगर आप दिन में एटलीस्ट 10 ट्रेड लेते हैं तो अदर ब्रोकर्स के यहाँ पर ऑर्डर आपको 20 रुपए देना होता है एंड इसे मंथली या ईयरली बेसिस पर देखें तो ये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। वही सोनिया बाय फिनवेसिया पे ये फ्री है। इनके प्रोडक्ट्स हैं प्रिज्म, जहां आप अपने अकाउंट में किसी भी तरह के अपडेशन करवा सकते हैं, साथ ही आप अकाउंट लीडर, होल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर सकते हैं एंड आपका रेफरल कोड भी आपको प्रिज्म पर ही अवेलेबल होता है।
बात करें स्मार्ट की तो स्मार्ट इज अ म्यूचुअल फंड एनालाइजर फॉर रिसर्च टू पिक बेस्ट ऑप्शन। सुनिया एपीआई उनका हेल्प करेगा जिनको अपनी ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज को फुल पोटेंशियल पर एग्जीक्यूट करना है। HFT एल्गोस आपको ट्रेडिंग को ऑटोमेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट का ऑप्शन भी मिलता है जो आपको ग्राफ को समझने में हेल्प करेगा। इसमें आपको सेम डे पेआउट मिल जाता है। इनका कस्टमर केयर टीम भी बहुत ही फास्ट एंड रिलायबल है। आप इनके ऐप एंड वेबसाइट दोनों को एक्सेस कर सकते हैं एंड इनका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से है। जैसे यहाँ पे है वॉच लिस्ट, एनालिटिक्स, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, आप और भी चीजें नीचे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। बात करें सोनिया बाई फिनवेसिया के हिस्ट्री का तो 2009 से इनका जर्नी स्टार्ट होता है। 2009 में इन्होंने फाउंड किया KPDN दैट स्पेशलाइजिंग प्रोवाइडिंग रिसर्च टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। 2010 में ये रजिस्टर्ड होते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिक्योरिटीज। 2013 में ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होते हैं। इन 2015 दे बिकेम ट्रेडिंग मेंबर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। इसके अलावा ये और भी कई जगहों पर रजिस्टर्ड है जैसे NSE, BSE, MCX, CTSL, AMFI, NCDEX, RBI, SEBI, US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। आप और भी चीजें नीचे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाके डाउनलोड करिए सोनिया बाई फिनवेसिया को। बाकी आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब दोस्तों जब कोई कंपनी स्टॉक पर लिस्टेड नहीं होती है एंड कंपनी को उस वक्त पैसों की जरूरत होती है तो वो कई राउंड में फंड्स को रेज कर सकते हैं एंड इसमें उनके इन्वेस्टर्स होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। हम कुछ वेंचर कैपिटल्स के नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ हम लोग जैसे जनरल पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये कंपनी स्टॉक पर लिस्टेड ही नहीं है। अब इस केस में होता क्या है कि कंपनी फर्स्ट राउंड में अपने कुछ शेयर्स वेंचर कैपिटलिस्ट को बेचती है और बदले में कुछ फंड रेज करती है। मान लेते हैं एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए। अब कुछ दिन के बाद कंपनी को फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, ऐसे में वो फिर से फंड्स रेज करते हैं एंड इस वक्त उनका शेयर प्राइस है 120 रुपए। इसमें भी जो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी वेंचर कैपिटलिस्ट ही हैं एंड ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है और ये धीरे धीरे ये बबल इतना बड़ा हो जाता है कि इसका फूटना तय है। ये लोग इस उम्मीद में पैसा लगा रहे हैं कि जब भी ये कंपनी मार्केट में जनरल पब्लिक के लिए लिस्ट होगी तो ये अपना सारा शेयर्स हमें बेचकर खुद कंपनी से निकल जाएंगे एंड यहीं पर हम लोगों के साथ स्कैम हो जाएगा क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जिस शेयर को हम बाई कर रहे हैं वो अपने एक्चुअल रेट से कई गुना ज्यादा है। बस हमने IPO का नाम सुना और इन्वेस्ट कर दिया। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हम पता कैसे करें कि किस कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है और किसका नहीं। इसको समझने का बेस्ट तरीका है कंपनी का PE रेशियो देखना। PE रेशियो इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल शेयर अपॉन टोटल प्रॉफिट। अगर हम मामा अर्थ का केस देखें तो 2022 में इनका टोटल प्रॉफिट था 14 करोड़ रुपए और इन्होंने अपनी कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू डिसाइड किया है 24,000 करोड़ रुपए। मतलब PE रेशियो आता है 1714x। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 रुपए कमाने के पीछे हमसे 1714 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये PE रेशियो ज्यादा है या कम है। तो इसको समझने का बेस्ट तरीका है इनके कॉम्पिटिटर्स का PE रेशियो देखना। अगर हम मामा अर्थ के कुछ कॉम्पिटिटर्स पर नजर डालें तो इमामी का PE रेशियो है 23x, HUL का PE रेशियो है 62x, गोदरेज का PE रेशियो है 57x एंड ऐसे ही एक कंपनी है मरीको जिसका PE रेशियो है 53x। वहीं बात करें एक और कंपनी नाइका की जिसका PE रेशियो है 960x एंड आपको पता ही है आज नाइका का शेयर प्राइस कितना ज्यादा गिर चुका है। एंड दोस्तों यही होगा मामा अर्थ के साथ भी अगर इनका IPO लॉन्च होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि PE रेशियो को डिसाइड कौन करता है और ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है। तो आपको बता दें इसे डिसाइड करते हैं मर्चेंट बैंकर जिसके बारे में मैंने पीछे बात करी है और ये डिसाइड किया जाता है कंपनी के मल्टीपल फैक्टर्स पर, जैसे कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी फ्यूचर में कितना स्केल कर सकती है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है ATC। अब दोस्तों आप कहेंगे कि PE रेशियो को कंपनी आखिर इतना ज्यादा कैसे दिखा रही है क्योंकि ये सब तो मर्चेंट बैंकर्स के हाथ में है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि PE रेशियो का एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है रेवेन्यू एंड कंपनी अपने रेवेन्यू से ही PE रेशियो को ट्रिक करती है। यहाँ अगर हम रेवेन्यू को किसी तरह बढ़ा दें तो PE रेशियो भी बढ़ जाएगा। अब बात करें मामा अर्थ के केस का तो ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खूब ज्यादा एड्स पर पैसा खर्च करते हैं। अपने सोशल मीडिया पर यूट्यूब एंड इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा इनके कई सारे एड्स देखे भी होंगे। हम फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा देखें तो इन्होंने 2020 में 2.39 रुपए का सामान बेचने के लिए 1 रुपए खर्च कर दिया था एड्स पर। ऐसे ही 2022 में इन्होंने 1 रुपए एड्स पे खर्च करके केवल 2.38 रुपए का सेल किया था। वहीं अगर हम बात करें इनके कॉम्पिटिटर्स की तो HUL 1 रुपए खर्च करके 10.60 रुपए का सेल कर रहा है। नाइका भी 1 रुपए खर्च करके लगभग 8 रुपए का सेल कर रही है। अब दोस्तों यहाँ एक चीज पर गौर करें, अगर इन सारी कंपनीज की कैटेगरी सेम है तो मामा अर्थ को एड्स पर ज्यादा पैसा क्यों खर्च करने पड़ रहे हैं। एंड इसका आंसर है जितना ज्यादा एड्स पर पैसे खर्च करेंगे उतना ज्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा जिससे कंपनी का PE रेशियो भी बढ़ता जाएगा। एंड एक बात यहाँ और गौर करने वाली है, ये एड्स केवल रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं ना कि कंपनी का प्रॉफिट। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर हम और आप जैसे आम लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर हम लोग इतने ओवरवैल्यूड शेयर्स को खरीद क्यों रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है अवेयरनेस का ना होना।
इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे भी इन टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं पता था। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि हम बिना फंडामेंटल्स को जाने समझे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। हम जस्ट उस कंपनी का नाम सुने होते हैं कि जोमैटो, पेटीएम एंड नाइका तो काफी पॉपुलर कंपनी है, और बस इसी के बेसिस पर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, इसी चीज से आगे हमें बचना है, बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए किसी भी स्टॉक में ऐसे ही इन्वेस्ट ना करें। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।